हेलो दोस्तों, नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आपको लेके आए हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मोड़ी गांव में। और यहां किस लिए आए हैं, क्योंकि काफी चर्चा में एक जमींदार है यहां पे जो ऑर्गेनिक खेती के काम पे लगे हुए हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उत्पादन कर रहे हैं। तो हम उनसे कुछ जानकारियां लेने की किस तरह से आप उत्पादन करते हो, क्या क्या सब्जी बोते हो और किस तरह से मुनाफा कमा रहे हो, लोगों को जागरूक करें इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को पता चले कि ऑर्गेनिक सब्जी किस तरह से उगाई जाती है, किस तरह से तैयार की जाती है और क्या क्या उनके फायदे हैं। तो हम मिलेंगे आज मोड़ी के इन जमींदार भाइयों से, तो मुलाकात करवाते हैं, आपकी बात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, अपना शुभ नाम? फतेह सिंह है जी। फतेह सिंह जी, आप यहीं मोड़ी से हैं जी। तो साहब, हम आपसे मिलने आए हैं आज, जो आप काफी चर्चा सुनी है गांव में कि इस तरह से भाई साहब ने ऑर्गेनिक खेती तैयार कर रखी है और बहुत शुद्ध सब्जी और स्वादिष्ट सब्जी आपकी बताई गई है, काफी प्रशंसा सुनी है आपकी। तो उसी विषय में हम बात करने आए आपसे, ताकि लोग जागरूक हो आसपास के, उनको भी पता चले और कोई जमींदार भाई है जो अपने साथी जुड़े हुए हैं, जो दर्शक बने हुए हमारे साथ, तो इस चीज का वो फायदा उठा सके। तो हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से काम उठाया आपने, किस तरह से स्टार्ट किया, क्या चीजें देख के आपने ये काम किया, क्या आपको बुरा लगा इस सब्जी में ऑर्गेनिक काम करने में, क्या आपको अच्छा लगा, तो उन्हीं के बारे में बातें करेंगे आपसे। तो श्रीमान जी, कब से कर रहे हैं आप ये काम? मैं तो 3-4 साल से कर रहा हूँ। 3-4 साल से कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो ठीक कर रहा हूँ सर। वो ना, अभी ये जहर तो सभी खाते हैं, मैंने एक निर्णय लिया था कि ये शुद्ध सब्जी खिलाएं ताकि लोगों में बीमारी कम आए। और रेट सेट तो ऐसा है कि 5-10 रुपए कम पत्ती होता रहता है इसका, ऑर्गेनिक का ना जी। वो यहीं से भी लोग ले जाते हैं, हमारे यहाँ पे फार्म पाक के ना, यहाँ से भी ले जाते हैं। और महसूस तो ऐसा कर रहे हैं कि सर ये भलाई का काम है जी। चलो 2 पैसे हम कम कमा रहे हैं, पत्ती कमा रहे हैं, उससे कोई ज्यादा वो नहीं है जी। लेकिन समाज में और एक ये जो आप देख रहे हो बीमारी से ग्रस्त होते हैं लोग, ये जहर की वजह से ज्यादा होते हैं। मतलब एक तरह से आप एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, आपके दिल को खुशी मिलती है, तसल्ली होती है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छा खिलाने को दे रहे हैं और अपनी पैदावार जो इनकम है चाहे थोड़ी कम हो जाए, लेकिन आपके दिल को संतुष्टि है ये काम करके, अच्छा महसूस कर रहे हो जी। तो लगभग कितने दिन से कर रहे हो? 3-4 साल। 3-4 साल से। तो इससे पहले आप जो जिस तरह की खेती करते थे उस खेती में और इस खेती में कितना अंतर अनुभव कर, कितना नुकसान हुआ आपको? या फिर पहले भी वो सादे तरीके से करता था जी वो, लेकिन अब की बार एक मनोज जी हैं सुंदरे से जी, हमारे पास ही बैठे हैं, तो इन्हें इनसे फर्स्ट में मुलाकात हुई थी जी। ये कहने लगे कि भाई साहब आपको ना ऑर्गेनिक सब्जी हम करवाएंगे आपको जी। तो हमने कहा सर मैं तो प्रयास तो कर ही रहा हूँ, वेलकम, आप कोई भी जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो हमें दीजिए जी, और आपका वेलकम। तो इन्होंने हमें जिस तरह से बताया जी, उसी तरह से हम कर रहे हैं जी। और ज्यादा विस्तार से तो मनोज जी बताएंगे जी। हमारे साथ साथियों बने हुए मनोज जी, जो नेट सर्फ के डायरेक्ट सेलर हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं ये और क्या क्या बताते हैं, क्या क्या मुनाफा करवाते हैं लोगों का। उससे पहले मैं चाहूंगा कि सर आप कितने खेती आपकी, कितने जमीन बोते हो जिस तरह सब्जी उगाते ये हो? 1.25 किल्ला में है पहले तो, तीन पिछले साल तो 3-4 किल्ला में थी अपने कने जी, और अब की बार 1.25 किल्ला में है ये। कुछ टमाटर है, घिया है, तोरू है, तरबूज है जी। तो पहले 3-4 और लहसुन भी लगा रखा था, एक 2.5 दिन का नाल कुछ कम किया है अपने काम। तो क्या वो जैसे अपने बोलते हैं देसी भाषा में बदवाड़ छोड़ रखी है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, या फिर कोई आपको ऐसी क्या चीज लगी जो कम की है? अगली बार ना फिर उसमें वो सब्जी पे सब्जी थोड़ा सा रेस्ट भी मिलना चाहिए। बदवाड़ छोड़ते हैं जो बोलते हैं हम, खेती को खेत को खाली छोड़ते हैं जिससे उसके उर्वरक शक्ति बढ़ जाए और अगले साल अच्छा अच्छे पैदावार मिले जी, इसलिए आपने कम कर रखा है काम। तो क्या क्या सब्जियां उगा रखी हैं जी आपने फिलहाल? टमाटर है अपने पास जी, घिया है, तोरू है, तरबूज है, लगे हुए ये सब अभी जी। तो बिक्री कहाँ करते हो आप? यहीं पे हो जाती है सर, यहीं घर बैठे बैठे। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको ना तो मंडियों में जाना पड़ता, ना ही कि बाजार में जाना पड़ता सब्जी बेचने के लिए। लोगों को मतलब एक बार पता चल गया कि वहाँ शुद्ध और ऑर्गेनिक सब्जी मिलती है तो लोग यहीं से खरीद के ले जाते हैं। इनका सबसे बड़ा मुनाफा तो ये है, क्योंकि जो लागत होती थी मंडियों में जाने की, जो खर्चे होते थे, किराए भाड़े होते थे, वो खत्म हो गए इनके। अगर थोड़ा सा रेट उनसे थोड़ा सा रेट भी ज्यादा ले लेते हैं तो बराबर, जैसे कि जो दवाई और यूरिया वगैरह से सब्जी बनाते हैं उनके बराबर में सब्जी की पैदावार ये कर रहे हैं घर बैठे बैठे, बड़ी खुशी की बात है ये। तो मनोज जी, हम चाहेंगे आपसे जानकारी लेना
कि आप कितने दिन से इस प्रयास में लगे हुए हो, ऑर्गेनिक की तरफ जोर दे रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, बता रहे हो? नमस्कार जी किसान भाइयों, मैं मनोज सुंदरा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से गांव सुंदरे का रहने वाला हूं और पिछले 2017 से मैं किसानों की ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहा हूं और मैं अपने खुद 6 एकड़ में मैं खुद भी अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं। तो मैंने किसानों को गांव-गांव जाके बताया कि ऑर्गेनिक के बेनिफिट्स बताए कि आने वाले समय ऑर्गेनिक का है, क्योंकि ये जो अभी खान पान जो है ये प्योर जहरीला चल रहा है। इसका सनीरियो हमें देखने को मिल रहा है कि जिस भी हॉस्पिटल में जाओगे हॉस्पिटलें भरी खड़ी हुई हैं, डॉक्टरों की कोठियां बन रही हैं, किसान बीमार हो रहा है। तो जहर मुक्त खेती अभियान के तहत हम काम कर रहे हैं और नेटसर्फ कंपनी का मैं डायरेक्ट सेलर हूं। तो हमारी कंपनी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जो हम किसानों को प्रयोग करवाते हैं और इनका वारंटीड रिजल्ट है। ये ओन गवर्नमेंट से सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, भारत सरकार से प्रमाणित प्रोडक्ट हैं और इनके बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। जो किसान जीरो बजट खेती कर रहा है, काफी किसान हमारे पास ऐसे हैं जो जीरो बजट खेती कर रहे थे लेकिन उन किसानों की खेती के अंदर कोई रोग आ जाता था तो रोग वो जीरो बजट से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे कि अब हमारी फसल के अंदर क्या किया जाए। तो हमने किसानों को हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाया। इसी तरीके से हमारे फतेह सिंह किसान हैं मोड़ी गांव से, ये 2-3 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। अब की बार इनकी मुलाकात हमारे से हुई तो स्टार्टिंग से ही हमने बताया कि फतेह सिंह जी अच्छी बात है, जीव अमृत वगैरह तैयार कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को अगर इस्तेमाल करोगे तो आपके और बेहतरीन शानदार रिजल्ट आएगा फसल के ऊपर। तो अब की बार हमने स्टार्टिंग करवाया है, स्टार्टिंग हमने फसल के अंदर गेहूं की खेती है, टमाटर की खेती है। तो इसके अंदर हमारा पहला प्रोडक्ट SHET सोयल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, भूमि को सुधारने की तकनीक, ये हमारे बैक्टीरिया की बोतल है जो हम किसान को मिट्टी के अंदर यानी कि पड़ेवा करने के बाद या गिल्ली मिट्टी के अंदर किसानों का प्रयोग करवाते हैं। ये ग्रोथ प्रमोटर भी है और ये भूमि को उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। जो अपनी टाइट जो DAP डाल के किसानों की खेती टाइट हो चुकी है, वो जो लेयर बन चुकी है, हमारा ये प्रोडक्ट उस लेयर को तोड़ देता है, बहुत ही पावरफुल इनका रिजल्ट है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट है ये स्टीम रिच है, ये हमारा ग्रोथ प्रमोटर प्रोडक्ट है, स्टीम रिच है। ये किसी भी फसल में, किसी भी अनाज की फसल में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी बागवानी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनकी स्प्रे होती है और ये जो भी अपने फसल के ऊपर जो फ्लोर फूल आते हैं, जो फ्लोर ड्रॉपिंग होती है पौधे के ऊपर, उस फ्लोर ड्रॉपिंग को रोकता है और ग्रोथ प्रमोटर है हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट है इंटेक्ट। हमारे किसान भाइयों की खेती के अंदर बहुत भारी रोग आ जाता है, कीट आ जाते हैं, यानी कि ये बोलूं कि फसल के अंदर मरोड़ी आ जाता है, टमाटर के अंदर मरोड़ी आ जाता है, मिर्च की खेती के अंदर मरोड़ी आ जाता है, जिनका 101% इनका रिजल्ट है। पहली स्प्रे के अंदर किसान को पता चल जाएगा कि इस इंटेक्ट का क्या बेनिफिट मिला है, यानी कि मरोड़िया फसल के आने के बाद भी मरोड़िया को ये हमारा प्रोडक्ट खत्म कर देता है। एक हमारा प्रोडक्ट है ये बायो 99 हमारा प्रोडक्ट, ये हर स्प्रे के अंदर इसके इस्तेमाल होता है। ये हमारा चिपके का काम करता है, यानी कि जो भी हम स्प्रे करते हैं बूंद को चिपकाता है, दूसरा स्पाइडर का काम करता है, उस बूंद को फैलाता है, और तीसरा ये उस पत्ते के आर पार उस दवा को कर देता है, यानी कि जो भी हम स्प्रे करेंगे उसकी ताकत को ये बढ़ा देगा ये हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं नेटसर्फ कंपनी के। ये हमारा कैटल फीड है जो हमारा पशुओं का प्रोडक्ट है, और लेकिन इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी फसल के अंदर भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स कर रहे हैं। ये फसल के अंदर जड़ों के अंदर जब हम किसानों की दवाते हैं उससे बहुत अच्छा ग्रोथ प्रमोटर फसल के ऊपर बहुत शानदार इसका रिजल्ट आया है, यो भी हम किसानों का प्रयोग करवाते हैं। तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं और बिल्कुल हम तो बता रहे हैं कि लोग अभी जागरूक होने लग गए, धीरे धीरे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो अभी इसी मुहिम में 4 साल से मैं लगा हुआ हूं, काफी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगभग हमारे किसानों की जो सब्जियां जो प्रोडक्शन होता है वो तकरीबन हमारे किसानों का उनके खेत के अंदर से ही सेल हो जाता है, क्योंकि लोगों के जब उनका टेस्ट का पता चलता है कि ये ऑर्गेनिक है, जब टेस्ट ही बोलता है कि ऑर्गेनिक का और उसका केमिकल वाले का क्या फर्क है, क्योंकि इसके रिजल्ट जो आते हैं वो टेस्ट से पता चलता।
तो इसी तरीके से हमारी मुहिम में साथ दे रहे हैं हमारे हजारीलाल जी हैं, ये कोटिया करेरा से हैं और ये डिपार्टमेंट से ही हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, जो किसानों का जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनके बारे में बताते रहते हैं, उनका बेनिफिट्स किसानों को दिलाते हैं। तो हम बात करते हैं हजारी जी से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं बागवानी विभाग सुंदरा से हूँ और ये हमारे फार्मर हैं पते सिंह, ये हमारे से जुड़े हुए हैं। मोरी गांव हमें एक विलेज ऑफ एक्सलेंस के तहत गोद लिया है और उन्होंने ये प्रोग्रेसिव किसान है, जो सरकार से जो अनुदान राशि मिल रही है वो हम इनको दे रहे हैं और बढ़िया मेहनत कर रखे हैं इनको। हमें तकनीकी से सब्जी करने के लिए मिन्नी लगाकर ड्रिप से, जिससे खाते दवाइयाँ इनको देने में पौधे की जड़ के अंदर जाएँ, स्वस्थ रहे, बढ़िया हो, वो तकनीकी से सब्जी कर रहे हैं। और इनको अभी हमारे सेंटर के ऊपर 17-18 तारीख को एक मेला का आयोजन गया था, उसके अंदर इनको प्रोग्रेस किसान का अवार्ड दिया गया है, जो कि है आपके साथ ये अवार्ड मिला है भाई साहब को, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। श्रीमान जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा जो आप बता पाओ कि क्या ऐसी कोई स्कीमें हैं गवर्नमेंट की जो जो अपने किसान भाई जो दर्शक देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो उनको कुछ फायदा मिल सके, कोई इस तरह की स्कीम बता पाओ। तो ऐसी स्कीम है जैसे आप देख रहे हैं जी, इसके ऊपर सरकार गवर्नमेंट को 31,200 रुपए एक एकड़ को अनुदान राशि दे रही है। 31,200 रुपए। हाँ, और ऐसे करने से इनको जो अपना प्रोडक्शन है वो बढ़िया मिलता है और क्वालिटी का मिलता है। इसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? हाँ, इसको है ड्रिप लगाकर और यहाँ वो इन स्टेजिंग ऊपर चढ़ाई जाए तो जो फल लगेगा वो जल्दी तैयार होगा और उसकी क्वालिटी बनेगी, इसका मार्केट अंदर रेट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, इसलिए समय से पहले एडवांस करने के लिए प्लास्टिक टनल लगाई जाती है, वो उसको पर 25,000 रुपए एकड़ के हिसाब से वो सब्सिडी सरकार दे रही है इनको। तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना होता है जमींदार को, उसको कागज कार्रवाई जो बोलते हैं, क्या डॉक्यूमेंट है, MFP के अंदर रजिस्ट्रेशन हो, उसके बाद हमारे जो हरियाणा की जो स्कीम है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा कर फिर हम किसान की विजिट करके इनको और फिर इनको अनुदान राशि प्रदान करते हैं। तो संपर्क आपके यहाँ सुंदर जो बनाया है वहाँ पे करें? नहीं, सुंदर सेंटर है जी, वहाँ मोडी और खैराना और भोजा सोनोताना ये गोमला सॉरी चारों गांवों को गोद लिया है और इसमें से 5-5 किसानों को प्रोडक्शन किसान के ऊपर इनको मतलब ये लिमिट है 4 गांव में और सिर्फ 5-5 लोगों को। जो बढ़िया जो तरीके जो तकनीकी से कर रहे हैं उसके लिए, तो इस तरह से अगर कोई बाहर का व्यक्ति करना चाहे तो उसके लिए नहीं है ये सेवा उपलब्ध? नहीं, बाहर के लिए है, वो ब्लॉक स्तर के ऊपर है, ब्लॉक स्तर पे है, जहाँ जिस ब्लॉक का है वो वहीं से ये स्कीम ले सकता है। ये स्कीम उनको ब्लॉक स्तर पर दे रहे हैं, मतलब कोई ज्यादा विशेष समस्या नहीं आती इस तरह की स्कीम लेने में? सरकार ने अनुदान के लिए बहुत ज्यादा वो कर रखे हैं जी। अब इन्हीं के वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनवाई है केचुआ खाद की, इसके ऊपर 50% अनुदान है जी, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। भाई साहब से काफी जानकारी मिली हमें और मनोज जी जो नेट सर्फ के डायरेक्ट सेलर हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जमींदारों को घर घर जाकर के समझा रहे, बता रहे और उनको मुनाफे की बढ़ोतरी करवा रहे हैं। और अपने भाई साहब से भी हमें काफी जानकारी मिली कि 2-3 साल से जो काम कर रहे हैं उसमें और काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं और शुद्ध और ताजा और ऑर्गेनिक सब्जी लोगों को खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं, यानी कि स्वच्छ खुद भी रह रहे हैं और स्वस्थ लोगों को भी कर रहे हैं। तो काफी जानकारी मिली इन लोगों से, कुछ और कहना चाहेंगे सर आप? एक बार प्रोडक्शन सर का जरूर हम दिखाना चाहेंगे कि पहले जो जीरो बजट की बात कर रहे थे उनमें और अब की बात में प्रोडक्शन में कितना फर्क हुआ है और कितने सेटिस्फाई है, तो ये तो किसान से ही हम बात करेंगे। एक बार प्रोडक्शन सर हम चाहेंगे कि एक बार जरूर हमारे प्रोडक्टों का प्रोडक्शन आप दिखाइए। ये टमाटर की खेती है जी? जी सर, ये टमाटर काफी अच्छी पैदावार नजर आ रही है, टमाटर की खेती है और ये बिल्कुल आप रिजल्ट देख सकते हैं। काफी अच्छी फसल खड़ी, अच्छी पैदावार है और अच्छे रिजल्ट भी है, देखिए काफी मात्रा में टमाटर लगे हुए हैं और क्वालिटी भी अच्छी नजर आ रही है। और उस तरफ अपने क्या घिया वगैरह लगाई हुई है? ये घिया है सर, इसमें तरबूज भी है, वो भी दिखाते हैं, आइए राहुल जी।
देखो सर कितनी साफ सुथरी की है, बिल्कुल चमक लगती है। पैदावार में कितना फर्क महसूस कर रहे हैं जी आप? सर अब मैं पैदावार की तो बात, तो अगर वो एवरेज निकाले तो और किसान कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ उसमें ना, उसमें थोड़ा सा वो लास्ट समय में पता चलेगा कि हम हमारा जैसे उनसे ज्यादा प्रोडक्शन रहा या कम रहा। शुरुआती दौर है, अभी पूरी फसल ले नहीं पाए आप, इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि रिजल्ट तो लास्ट में आएगा कि कितना क्या हुआ। बिल्कुल 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 जी। और इसके अलावा इसमें क्या बो रखा है आपने? तरबूज जी सर। तरबूज का लग रहा है अभी? हाँ लग रहा है, देखो ना। देखिए ये है अपने तरबूज लगा रखे हैं भाई साहब ने, और कितने मतलब बढ़िया साइज और बढ़िया फल आ रहा है। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप पहले भी खेती करते थे और आज भी कर रहे हैं, मनोज जी ने नेटसर्प से जो प्रोडक्ट आपको दिए और उनका यूज करने के बाद में कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ सर, ये देखो ना तरबूज। बिल्कुल बिल्कुल, ये 7-8 किलो का होगा सर। बिल्कुल आप देखो, बिल्कुल काफी साइज का टूट गया ये। ये देखो ना कितना बड़ा तरबूज। बिल्कुल जी बिल्कुल, काफी फर्क है, मतलब कि रात और दिन का फर्क है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ना तरबूज, अभी 7-8 किलो का तरबूज है। तो पहले जो खेती करते थे आप और जो ये प्रोडक्ट भाई साहब ने दिए हैं जी सर, उनके बाद कुछ फर्क है आप? बहुत फर्क कर रहा है, फर्क है। तो जो भी दर्शक हैं वो एक चीज देख लीजिए आप, कि ये बता रहे हैं कि पहले जो खेती करते थे और अब इनके प्रोडक्ट जो यूज करने के बाद में बता रहे कि बहुत फर्क है इन चीजों में, पैदावार में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। तो मैं मनोज जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनका मुनाफा डबल करवा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और मैं भाई साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और खुलकर डिटेल से बताया। ये तरबूज की फसल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, पहले भी फल आते थे बताते हैं, लेकिन वो किलो 1.5 किलो 2 किलो तक का होता था और ये 6-7-8 किलो तक का तरबूज हो सकता है। ये फर्क है जो ये प्रोडक्ट नेट सर्फ के यूज करने के बाद में हुआ है और उससे पहले क्या था वो बता रहे हैं भाई साहब। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी भाइयों का, मनोज जी का भी और अपने भाई साहब का भी, कि उन्होंने हमें इतनी जानकारी दी और लोगों को भी जानकारी दी जिससे काफी लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। सामने देखो।